अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं और उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। ये देखें इधर आ गया आरिश, मैंने सलाम करने का कहा था, कहता मैं भी सलाम करूँ, करो अस्सलाम वालेकुम करो। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? हाँ जी, हम उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं। और आरिश जो है ना ज़िद कर रहा है, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, पता नहीं पापा को देख के तंग कर रहा है या क्या मसला है इसके साथ। आज ज़िद कर रहा है सुबह सुबह, और इसका पापा कोशिश कर रहा है कि इसके बालों की हल्की फुल्की कटिंग करवाने लेके जाऊं, पर देखते हैं अब जाता है कि नहीं जाता। हम सोच रहे हैं कि पहले पापा तो कटिंग करा लें। ये इधर सारों का फैशन है लंबे बालों का, हमारे घर में सिर्फ सारों ने लंबे लंबे बाल रखे हुए। मैं इनको छेड़ती भी होती हूँ, मैंने कहा हमारा जो है ना नाम पड़ जाएगा कि ये लंबे बालों वाला का घर, क्योंकि सारों ने ही बाल रखे हुए। और आरिश उधर चला गया, उसकी मम्मा ने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हैं, तो ये जाके मशीन के साथ छेड़ता है, बटन दबाता है, तो कहता है मुझे बटन दबाने दो, तो रोकते हैं, तो मशीन क्योंकि चल रही है तो बटन दबाता है, वो रोकते हैं तो वो शोर करता है। अभी भी जाके बटन दबा रहा था, बटन नहीं दबाने दिया था, रो रहा है कि मुझे उसमें इसको बटन दबाने दो, छोड़ क्योंकि वो टी टी करती है ना, दबाओ बटन, तो समझता है कोई कोई खेलने वाली चीज़ है, मुझे खेलने नहीं दे रहे। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं कि इधर मैं थोनों कर रही थी कोई साग, रात वाले पालक शालक लेके आए थे, वो साग कुछ की थी रात को, रात आरिश के दादा अबू ने उन्होंने काट दी थी, क्योंकि उसमें से छांटी करके तो मुर्गियों के लिए निकालना होता है, उन्होंने जो पत्ते शत्ते होते हैं थोड़े बहुत डैमेज हुए हैं वो निकाल के मुर्गियों को डालते हैं। तो चलें अभी और आए क्योंकि उसका शोर मिलते हैं बाद में। आरिश जो ना अंगूर को देख के खुश हो गया कि मेरे लिए अंगूर आ गए, और इसको कहता है नमची, बाबा ने निकाले अंगूर तो अब खुश हो गया। नमची आ गई, खुश हो गया, खुशियाँ खुशियाँ इधर आके इधर आके इधर आके मेरे पास आके खुशियाँ वाली जो है ना इजहार करो, खुशी वाला इजहार करो। बाबा इसको ना निकाल के तो धो के फिर देंगे, क्योंकि फ्रिज में से निकालें तो वैसे भी ठंडे होते हैं, पानी से धो लो तो फिर नॉर्मल हो जाता है टेम्परेचर उसका, ठंडे नहीं रहते। हाँ जी आरिश बहुत खुश हो रहा है कि मेरे लिए ना अंगूर साफ हो रहे हैं। नमची धोई जा रही है, नमची खाएगा हैं, नमची खाएगा, बहुत खुश है, बहुत इतना खुश तो किसी और चीज़ से नहीं होता जितना ये अंगूरों से खुश होता है। पालक को भी धो धो के साफ सुफ करके अभी रखते हैं, अभी पालक भी वो पड़ी हुई है मानी के पीछे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है पालक, इसको भी साफ सुफ करते हैं धोते हैं। ये मैंने पालक धो के डाल दिया इधर, इसको भी चूल्हे को जला देते हैं। ये भी चढ़ा दी है पालक उबलने के लिए, और इधर तवा रख दिया है, और इसी दादा के लिए रोटी डालनी है कि हम सब ने नाश्ता कर लिया, मैंने रोज ने आरिश आरिश के पापा ने, हमने तो कर लिया नाश्ता, इधर चाय भी बनी हुई है पिया है उनके लिए, तो सालन भी गर्म किया हुआ पड़ा हुआ है, तो चलो उनको देते हैं भी नाश्ता, वो भी उठे हैं थोड़ी देर हुई है, तो नाश्ता कर बना लेते हैं रोटी और चाय गर्म करके डाल देते हैं फिर मिलते हैं। और पालक भी उबलने के लिए रख दी है, इस पर भी ढकना रख देते हैं, तो कढ़ाई का ढक्कन इधर पड़ा है, चलो निकालते हैं क्योंकि बर्तन है पीछे। आरिश बैठा हुआ जी कि देख रहा है कार्टून, और ये लगे हुए थे कार्टून, अभी ब्रेक हो गई है, आरिश देख रहा था कार्टून, देखता है शौक से। बोर्ड लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बोर्ड काम नहीं कर रहा, अल्लाह जाने कैसे ख़राब हो गया क्या हुआ, इसको लगाती हूँ एक हाथ से तार भी लेकिन ये नहीं चल रहा, ऐसे लगाती हूँ क्योंकि इसका स्विच जो है ना डायरेक्ट है, ये इसका बटन काम नहीं करता। वो इधर लगा रही थी टीवी, ये जी नहीं चल रहा, इधर जी टीवी लगा के देखती हूँ अभी, ये जी नहीं चल रहा इसका, यहाँ से मुझे लग रहा है कि अंदर से या तार टूट गया या चल गया, टीवी लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं चल रहा, क्योंकि इधर लगा रही थी साथ इसका ना ये लगाना पड़ता है, ये लगा के तो स्पीकर चलता है,
जो स्पीकर ऊपर लगाए मैंने, ये वाले, ये स्पीकर इससे चलते हैं कि इसकी अपनी आवाज़ जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है एलसीडी की, तो ये फिर स्पीकर साथ लगाए, थोड़ी सी आवाज़ आती है बिल्कुल हल्की सी, बहुत ज़्यादा फुल आवाज़ खोलनी पड़ती है, इसलिए फिर स्पीकर लगाए थे और स्पीकर के साथ ये चार्जर लगाया, ये लीड लगी हुई है कि वह ऐसे चलते हैं, ये वैसे फिर इसकी लीड नहीं लगती, डायरेक्ट चार्जर के साथ लगती है, तो इसलिए फिर ये लीड लगाई थी, इस पे दोनों चल जाएंगे, सोच ये एक ही है, एक में फिर एक ही चीज़ चल सकती है, ये लगाया है, अब ये बोर्ड हो गया जी ख़राब, पता नहीं क्या हो गया इसको, ये नहीं चल रहा, अब इसको दिखाते हैं आरिश के दादाबू को, वो गए में छत पे आते हैं तो फिर दिखाते हैं इसको, और उधर मशीन भी चल रही है, बस इतने से रह गए, एक फेरा रह गया कपड़ों का, काफ़ी देर हो गई है चलते हुए, अभी इसको अभी भी मेरे ख्याल में डाले हैं, अभी 36 मिनट रहते हैं, अभी काफ़ी टाइम है, अभी डाली है, चलें जी। बाकी है कि मैं ये सिलाइयों का कुछ काम कर रही थी, ये मैंने दूसरा पल्ला शुरू किया हुआ है, एक बना लिया है तो लेके आई हूँ इधर, मैंने कहा इसको करती हूँ, ये वाला, ये देखें, ये डिज़ाइन मैंने डाला हुआ है, ये ऐसे, ये मैं अभी बनती हूँ, इसको बनाती हूँ, एक पल्ला बना हुआ है, अंदर पड़ा हुआ है, और साथ साथ मेरी जो है पालक भी बॉयल हो रही है, पालक देखो कहाँ पहुँच गई है, ये बॉयल हो रही है पालक जी, इसका भी काम जा साथ साथ चल रहा है। बाकी इधर ले कर रखी थी, कल लेके आई थी, ये कद्दू भी लेके आए थे, और ये ज़्यादातर हम बनाते होते हैं लस्सी में, आज इंशाल्लाह आज तो नहीं बनाएंगे, एक दो दिनों की वैसे ही बाज़ार गए थे इतवार बाज़ार, तो हमने कहा चलो सब्ज़ियाँ एक दो ले लेते हैं, गोभी ले ली, कद्दू ले लिया, साथ पालक ले ली थी, साथ आरिश के लिए चने ले लिए थे, चने इसको दिए थे रात को, तो आज उसने फिर अंगूर अभी खाए, चने नहीं दिए, तो वो चला गया है ऊपर, और इधर सो रहे हैं जी, अरसलान भी सो रहा है, और एहतशाम भी सो रहा है, एहतशाम इधर नीचे सोया हुआ है, अरसलान ऊपर सोफे पे, ये अभी सो के उठेंगे, ये थोड़ा सा उठेगा लेट ही एहतशाम, क्योंकि अभी तो हुए डेढ़ हो गया, पौने दो होने वाले, थोड़ा लेट ही उठेंगे, तो बाकी मैं शुरू करती हूँ स्वेटर इधर, फिर मिलते हैं। हो गया जी हमारा खाना तैयार, और सिर्फ चावल बना दिए, और इधर आरिश और आरिश के दादा वो बैठे हुए, और इधर बैठा है जी उस्मान भी, ये और चले जी अब खाने लगे हैं हम लोग, खाना खाना खाने लगे हैं, क्योंकि हम चावल खा लेते हैं, ये देखिए जी, ठहरो ना, ठंडे होने दो ना, ठंडे होने दो, गर्म है, गर्म है, चावल चावल में मिर्चा तो सुन थोड़ी, वो चटनी कोई नहीं है ना, चटनी है ना, अच्छा की हां मानी, आ जा आ जा, थोड़ी देर खा ले शामू, चावल खाने आ जा, आ जा ना, कौन कौन खाएगा खाना, और एहतशाम भी नहीं आ रहा, अरसलान भी नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने खाया हुआ है, नाश्ता किया हुआ है थोड़ी देर पहले, चलिए अभी हम खा लेते हैं, तो चटनी भी है, दे पानी दे, आरिश किधर तैयार हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, हैं ना, उए दांत क्रीच रहा है, मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये कैसे आवाज निकालते हो, उए नहीं टूट जाएंगे दांत, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, अच्छा नहीं लेके जाओ, ये अब्बू के साथ तैयार हो रहा है छत पे जाने के लिए, कोको पास जा रहा है कि बाहर जा रहा है, जूती नहीं सही लगता है पैर, उसकी उंगली नहीं सही, बूटी पहन के जा रहा है, किधर जा रहा है बूटी पहन के, बाकी के चलते हैं किचन में, आज हमने पकाया क्या था, पकाई थी हमने आलू गोभी, और खाना भी खा लिया है, ये जो डोंगे में पड़ा हुआ है, और इधर रोटियां भी पड़ी हुई हैं लेकिन बची हुई हैं, सालन खाना शाना खा के भी बर्तन पड़े हुए हैं, तो खाना खा के हो गए हैं फारिक, जल्दी खा लिया था खाना हमने, अभी 8:30 हुए हैं, पहले ही खा लिया तकरीबन, आज 8 बजे खाना खा लिया था, अभी 8:30 हो गए, पैदल नहीं चलेगा तो मैं तुम्हें नहीं उठाऊंगा, किधर जा रहा है, किधर जा रहे हो, किधर जा रहा है, नहीं करो ऐसे,
या फिर दांतों के साथ ही अभी भी लगा हुआ है कि दांतों के साथ कुछ कर रहा है। आरिश किधर जा रहे हो? लेके नहीं जाऊंगा फिर। हैं? और इधर हमारे तोते भी बैठे हुए हैं और आरिश जा रहा है अबू के साथ बाहर सैर करने के लिए। क्या लेने जा रहे हैं? अभी ये जाते हैं बाहर फिर वापस आते हैं फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। कीगी लेने जा, कहते हैं मैं कीगी लेने जा रहा हूँ। चलो कीगी शीगी लेके आओ। अच्छा जी, खाना शाना सब ने खा लिया है जी। खाना खा के फारिग हो चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी है कि इस वीडियो का इतनी एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। और दुआओं में याद रखना जी, अपना ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।